पिछले काफ़ी दिनों तो कैलिफोर्निया सूबा कई जंगलाती अगों की मार चल रहा है। इन्हों अगों कारण हूँ तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इन्हों अगों पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया गया है, पर खतरा हाले भी बरकरार है। की है ताज़ा अपडेट इस बारे? सूबे के बे एरिया तो जानकारी दे रही है साड़ी सहयोगी महक सैनी। जंगली अगां जो कैलिफोर्निया विच बहुत नुकसान कर चुकिया हैं, हुण कैंसस स्टेट तक धुआं पहुँच चुका है। बे एरिया के नेड़े छोटिया अगां हुण कई मील लंबिया ते बड़िया अगां कट्ठिया होकर बन चुकिया हैं, जिस विच करीब 3 लाख परिवारों ने अपने घर छड़ के एवैक्यूएट करना पिया। 7 मौतां हो चुकिया हैं अगां के कारण। इस विच कुछ लोग जो अपने परिवार तो जुदा हो गए सी ते अग विच फस गए सन मौजूद सी। ए अगां कैलिफोर्निया दी हिस्ट्री विच सब तो माड़ियां ते खतरनाक मनियां जा रही हैं। SCU लाइटनिंग कॉम्प्लैक्स अग करीब 4 लाख एरिया जमीन जला चुकी है ते 75% कंटेन हुई है। ए अग कई बड़े शहरों के नेड़े है, जिस विच गिलरॉय, हॉलिस्टर, मॉर्गन हिल, सैन होजे, मिलपीटस, फ्रीमा, Pleasanton, Livermore, Tracy, ते बड़े हाईवे 101, 680 ते Interstate 5 भी कुछ जगह विच बंद किए गए हैं। दूजी LNU लाइटनिंग कॉम्प्लैक्स अग भी करीब 4 लाख एरिया जमीन जला चुकी है ते ए अग हुण करीब 80% काबू हुई है। ए अग Vacaville, Fairfield, Napa, Solano, Knoxville ते Allendale दे नेड़े जल रही है। तीजी CZU लाइटनिंग कॉम्प्लैक्स अग करीब 1 लाख एरिया जमीन जला चुकी है ते हुण करीब 50% काबू हुई है। इस अग दे नेड़े सैंटा क्रूज, बिग बेसन स्टेट पार्क, डैवनपोर्ट, फेल्टन ते बोल्डर क्रीक शहर पेंदे हन। कई संस्थावां मदद दे रही हैं उन्हां परिवारों नूं जिन्हां नूं एवैक्यूएट होना पै रहा है। खाना पीना ते रहण दा इंतजाम अमेरिकन रैड क्रॉस ते सैलवेशन आर्मी दे रहे हन। हुण दोबारा तो इस वीकेंड कैलिफोर्निया नूं हीट वेव देखण नूं मिलेगी। एक्सट्रीम गर्मी के कारण अगां बढ़ सकदियां हन ते ओ अगां जो हुण काबू विच आईयां हन फिर तो बेकाबू हो सकदियां हन। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया दे विच एक्सेसिव हीट वार्निंग दित्ती गई है, जिस विच गर्मी खतरनाक टैंपरेचर ते रैकर्ड तोड़न दे लैवल तक पहुँचेगी कुछ ही दिनों विच। फायर फाइटर्स बहुत तेजी नाल अगां बुझाउण नूं लगे हुए हन बढ़ते गर्मी के खतरों को देखते हुए। महक सैनी, PTC न्यूज़, कैलिफोर्निया।